बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपकी शेफ एसन जी आज आपके लिए टूटी फ्रूटी की रेसिपी लेके आई हूँ। देखें, इसको आप लौकी से भी बना सकते हैं। आप इस ये एक मतलब ऐसी चीज़ है जो आपको ख़रीद के लानी पड़ेगी, लेकिन आप इसके अलावा जो सरदा होता है उसके भी छिलके से बना सकती हैं। इसके अलावा आप तरबूज के छिलके से भी बना सकती हैं। तो आज मैं आपको तरबूज के छिलके से बनाना बता रही हूँ। ये देखिए, ये देख सकते हैं इस तरह छिलका मैंने हमने तरबूज निकाल लिया और यह हमारा छिलका बच गया था। अच्छा मोटा सा छिलका होता है ये, आप देख सकते हैं बहुत कारामद होता है। और अब मैं इसको पहले पील करूँगी। आप छुरी से भी कर सकते हैं, मुझे ये ईजी लगता है, मैं इससे कर रही हूँ। और पहले मैंने इधर उधर से कर लिया और इधर से भी मैं ये जो रेड रेड पार्ट है ये सब निकाल दूंगी। ये देखिए, ये इस तरह हम इसको देख सकते हैं आप, ठीक है। अब इसको हम छोटे छोटे इस तरह ये देखिए नाज़रीन, मैंने इस तरह इसको काट लिया है लंबे लंबे। और अब मैं इसको इस तरह रख के इसके छोटे छोटे जो स्क्वायर पीसेस काट लूँगी। ये देखिए नाज़रीन, ये जो है हमने इस तरह बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि इसको क्यूब्स में काटना है। आपको जिस तरह फिजिबल हो आप उस तरह काट सकते हैं, ठीक है। अच्छा मैंने और ये एक पीस था, मैंने टाइम की वजह से ये एक पीस ही आपको दिखाया, लेकिन मैंने बाकी दो पीस को भी काट के रखा हुआ है। ये देखें, आप देख सकते हैं ये भी मैंने काट के रखे हैं। अगर मैं आपको इस तरह दिखाऊं तो आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि ये तरबूज के छिलके हैं, ठीक है। और अब मैं इसको पैन में शिफ्ट करूँगी। ये देखिए नाज़रीन, मैंने इसमें जो है ये चूल्हे पे रख दिया और अब मैं इसमें पानी डालूँगी इतना कि बहुत अच्छे से भीग जाए। तकरीबन मैंने आधा पैन पानी लिया है और एक कप के करीब ही, एक कप से थोड़ा कम है, शुगर इसमें डाल दी। इसका जो शीरा बनेगा वो ज़ाया नहीं होगा, ये शीरा हम दोबारा यूटिलाइज़ कर सकते हैं क्योंकि प्लेन शीरा है, ठीक है। इसके बाद आप इसको इतना पकाएंगे कि ये ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी, ये जो हमारे टूटी फ्रूटी हैं ये ट्रांसपेरेंट हो जाएं। और ये जब ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे तो उसके बाद मैं आपको दूसरा प्रोसीजर दिखाती हूँ इसका। जी नाज़रीन, ये देखें हमारा जो तरबूज थे, तरबूज का छिलका जो था वो किस हद तक उसका कलर चेंज हो चुका है आप देख सकते हैं। और इसमें देखें आप, हल्का हल्का झाग आ रहा है। इसके दो तरीक़े हैं इसको झाग को ख़त्म करने के लिए, या तो आप इसको जो है थोड़ी देर के लिए चूल्हे से उतार दें और ये जो है इसका झाग बैठ जाएगा। दूसरी सूरत में ये थोड़ा सा दूध है जो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ और ये फिर इससे भी झाग हमारा बैठ जाएगा। मैंने आपको दोनों तरीक़े बता दिए। ये तकरीबन 2 टेबल स्पून था जिसमें से मैंने 1 टेबल स्पून इसमें डाला। अब मैं इसको अच्छी तरह पकाऊंगी। अच्छा इसको चेक करने का तरीका, एक तो ये कि जो हमारा शीरा है वो तकरीबन एक तार का बन जाएगा, और दूसरी चीज़ ये कि आपको ये ख्याल रखना है कि आप एक टुकड़ा चखें उसमें मिठास आ गई है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम सिर्फ तार के शीरे के तार में ही उलझ जाते हैं और हम उसको नहीं चेक करते, तो वो बहुत ज़रूरी है कि आप ज़रूर देख लीजिएगा कि उसका जो हमने टूटी फ्रूटी बना रहे हैं हम उसके जो है वो उसमें मिठास आ गई कि नहीं आ गई, वो और ट्रांसपेरेंट। अभी हुआ है ट्रांसपेरेंट लेकिन ये मज़ीद ट्रांसपेरेंट हो गई, आप देख सकते हैं किस हद तक ट्रांसपेरेंट हो चुका है। ये अभी मज़ीद होगा और मैंने अभी चखा था तो इसमें अभी मिठास नहीं आई है, क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि शीरा काफ़ी पतला है। और अब मैं इसको गाढ़ा करके करूँगी तो फिर ये इसमें और इस जज्ब कर लेगा, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए नाज़िम, हमारी जो टूटी फ्रूटी है वो बिल्कुल पक्के तैयार हो गई है। देखें इसका कलर ऐसा है, येलोइश है, और इसको जो है मतलब ये पॉइंट सबसे ज़रूरी है कि आप इसको चखें और इसमें मिठास प्रॉपर होनी चाहिए जैसे टूटी फ्रूटी में होती है। उस वक्त तक आप पकाएंगे जब तक इसमें अच्छी तरह मिठास ना शामिल हो जाए, ठीक है। अब मैं इसे 4 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट करूँगी।
ये देखिए नाज़रीन, मैंने इसे चार पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अब मैं चारों में थोड़ा थोड़ा ये वनीला एसेंस डालूंगी। वैसे इसमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो ना भी डालें तो इसके बगैर भी ये सही रहता है। अब मेरे पास जो इस वक्त कलर अवेलेबल हैं वो सब ड्राई हैं, वरना आप ये देख सकते हैं कि इस तरह के बॉटल्स मिलती हैं, इस तरह की उसमें कलर्स आते हैं। इत्तेफाक से मेरे पास तमाम कलर्स ही ख़त्म हो चुके हैं। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, कलर थोड़ा ब्राइट सा होना चाहिए, क्योंकि ये अभी इसको सोक करेगा, इसमें हम सोक करके रखेंगे ओवरनाइट, और ये इसको अच्छे से कलर को पी जाएगा। ये देखिए नाज़रीन, ये ऑरेंज कलर हो गया, और इस चौथे कलर को मैं एज इट इज़ छोड़ूंगी, यानी ये लाइट येलो कलर में ही आएगा। बस इसको, इसमें वनीला एसेंस जो है हम उसको रखेंगे, और ये मैं ओवरनाइट छोड़ दूंगी, और फिर मैं आपको कल इसका एक छोटा सा प्रोसीजर और है जो दिखाऊंगी इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, देखें ओवरनाइट गुज़र गया, पूरी रात गुज़र गई, और अब ये इसमें कितना अच्छा रंग आ गया है। अच्छा, अब इसका अगला प्रोसेस, ये सब ऐसे ही हैं, अगला प्रोसेस ये है कि मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि ये कोई छन्नी ले लीजिए, आप एक बड़ी छन्नी भी ले सकते हैं, अगर कोई सीधी छन्नी आपके पास है तो आप सीधी छन्नी ले लें, और उसमें उसको किसी हाई उस पर रख के, एक जैसे मैंने ये एक ट्रे रखी है और उसके ऊपर एक आप वो सीधी छन्नी रख के, और उसमें आप ये जो आपने अशरफियाँ या टूटी फ्रूटी जो भी आप इसका नाम दें वो डालें, और इसका फिर ये जो पानी है ये निकाल दें। इसी तरह हम बाकी कलर्स को भी निकाल देंगे, और मैं आपको फिर दिखाती हूँ। चारों कलर मैंने निकाल लिए हैं, मेरे पास तीन स्टेनर्स थे तो मैंने इसको दो को एक साथ कर दिया है। ये जो आपने जैसे ये कलर बचा है और मीठा है तो आप ज़र्दा वगैरह बनाने में इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। सब कलर्स जो हैं वो आप संभाल के रख लें फ्रिज में, और जब आप ज़र्दा बनाएं तो उसमें मल्टी कलर जब हम ज़र्दा बनाते हैं तो उसमें इस्तेमाल हो सकता है। तो ये तैयार हो गया, और जब ये तकरीबन 3-4 घंटे बाद ये कुछ ऐसी शक्ल में आ जाएगा। ठीक है, ये देखें, ये मैंने पहले बना के रखा हुआ है, इसमें मैंने ये नहीं किया था लेकिन ये बाकी तीन कलर्स में मौजूद हैं, तो ये इस तरह की शक्ल में हो जाएगा, और ये आप आराम से आइसक्रीम में, ज़र्दे में, इस तरह की चीज़ों में ये यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये इसका फाइनल लुक है। आई होप कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक का बटन दबाएं, शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स में। ये ऐसी चीज़ है जो अक्सर हम परेशान हो रहे होते हैं कि नहीं मिलती बहुत सी जगहों पे, तो आपको, आप घर में तैयार कर सकते हैं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।